तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज वीडियो अपलोड किया था जिसने आप सभी को बताया था वोटर आईडी कार्ड में आपको मोबाइल नंबर लिंक करना, या मोबाइल नंबर लिंक करना हो या ईमेल आईडी लिंक करना हो या किसी भी तरह का सुधार करना हो, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसे आप सभी का, इसमें मैंने बताया था कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा तभी आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं या आप नया बना सकते हैं। तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको कल बताया था कि अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट में बहुत सारा आया कमेंट कि जो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है वो कैसे बनाना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको सारा प्रोसेस कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त कैसे करना है और साथ में लॉगिन कैसे करना है। आपको बिल्कुल फ्री में पासवर्ड आपको बनाया जाएगा, तो फ्री में आपको पासवर्ड बनाकर इसमें बताऊँगा बिना पैसा लगे हुए, और मात्र थोड़ा सा प्रोसेस है, आप थोड़ा सा ही प्रोसेस आप पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और यहां पर आपको टाइप करना होगा NVSP और इस तरह से सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद आपको यहां पर एक पेज ओपन होगा NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का, इसी वाले वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इसका लिंक मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इस तरह से देखने के बाद यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है लॉगिन एंड रजिस्टर का सेक्शन जो यहाँ पर दिया गया है, तो इस वाले पेज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी जो पासवर्ड आपको बनाना है उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर के लिए इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको डालना होगा, पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद ये वाला कैप्चा है इस वाला बॉक्स में फिलअप करना होगा, इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। आप जिस तरह से यहाँ पर आप OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर OTP डालना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर OTP का एक सेक्शन है, यहाँ पर OTP डालना है, इसके बाद OTP वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। OTP आप इस तरह से डाल लेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, आपका OTP इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर डोंट हैव एन EPIC नंबर और यहाँ पर आई हैव एन EPIC नंबर, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। एक बात जरूर ध्यान देंगे, अगर वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं होगा तो केवल आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये वाला पर, अगर आप क्लिक करके अगर ये वाला डिटेल फिलअप करते हैं तो। आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो केवल आप नया बना सकते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप नया भी बना सकते हैं, साथ ही साथ में आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इसमें केवल आप नया बना सकते हैं, सुधार करने के लिए आपको ये वाला यूज़र आपको क्लिक करना होगा। तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो इसलिए यहाँ पर आई हैव एन EPIC नंबर वाला पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर आपको डाल लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेना है, इसके बाद एक आपको यूज़र आईडी और यूजर आईडी जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से डाल लेना है। जो पासवर्ड बनाने के लिए मैं एक स्पेशल आपको बता दे रहा हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। आपको पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको पासवर्ड में जो बनाना होगा तो पहला लेटर आपको कैपिटल डालना होगा, यानी कि अल्फ़ाबेटिक लेटर का सबसे बड़ा लेटर, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोशन है तो मैं बनाऊँगा R, सबसे बड़ा यहाँ पर लेटर लेना है, इसके बाद AUSHHAN रोशन डाल लिया हूँ इस तरह से आपको, यानी कि पहला लेटर ये वाला होना चाहिए कैपिटल, इसके बाद स्मॉल लेटर, इसके बाद कोई स्पेशल लेटर जैसे कि स्टार डालना है या एट द रेट या तो हैच इस तरह से एक लेना है, इसके बाद कोई डिजिट ले लेंगे जैसे 123 इस तरह से कोई डिजिट लेना है। इसी तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ऐसे पासवर्ड क्रिएट करेंगे तभी आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना पासवर्ड सक्सेस आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था, यहाँ पर आपको मैं पासवर्ड डाल के यहाँ पर शो कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद पासवर्ड फिलअप कर लेता, इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं अपने यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पर EPIC नंबर डाल लिया हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल लिया हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड जिस तरह से आपको बताया उस तरह से पासवर्ड डाल लिया हूँ, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लिया हूँ, इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर का सेशन है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर मेरा रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है, इस तरह से यहाँ पर सक्सेस हो चुका है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। और चलिए मैं इसको आपको लॉगिन करके शो कर देता हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर पहले से एक डाला हुआ तो इसको मैं हटा लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ दूसरा, और जो दूसरा वाला है मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर सभी डिटेल डाल चुका हूँ, जैसे यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल कर लिया हूँ, इसके बाद लॉगिन का सेक्शन इस पर क्लिक करेंगे।
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर सभी आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नया बनाना, तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको सुधार कोई करना है, तो जैसे सुधार करना हो तो यहाँ पर करेक्शन वाला मैं बताया था कल वाला वीडियो में, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मन में अगर कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।